हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ मूली की भुजी, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे फैमिली में भी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने मूली की भुजी को बॉईल कर लिया था और दो सीटी मैंने इसमें लगाई थी, इस तरीके से काट के उसको बॉईल कर लिया था। अब हम एक छन्नी लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। थोड़ा ठंडा करने के लिए हम इसको रख देंगे। गाइस, अब हम बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैंने मूली बॉईल कर ली थी और अब मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे दबा कर मैंने इसके पानी को निकाल कर इस तरीके से कर लिया। और इसके लिए मुझे चाहिए अदरक, लहसुन चॉप किए हुए, अजवाइन और हरी मिर्च और चार प्याज। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये ऑयल रख दिया है, मस्टर्ड ऑयल 2 चमचे। अब मैं इसमें डालूंगी अजवाइन, ये हम ऐसे चॉपिंग करके डालते हैं ना कुछ ज्यादा, तो इसका टेस्ट ही बहुत अलग आता है। और इसमें जाएगा हींग। अब हम इसको चला देंगे और इस तरीके से इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। इसमें डालेंगे हम ये जो खूब सारी प्याज, मैंने 4 प्याज डाली थी, वो डालेंगे इसमें। भुजी में ना प्याज का ही बहुत अच्छा टेस्ट होता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसको भी अब मिक्स करेंगे। अब हमें इसको थोड़ा सा गोल्डन होने देना है। ये देखिए, थोड़ी सी धीरे धीरे अब गुलाबी होती जा रही है। सो गाइस, अब ये हो गई है ऑनियन। अब मैं इसमें ये भुजी डाल दूंगी। इस तरीके से मिक्स कर दूंगी और इसमें डालूंगी मैं कुछ मसाले। जैसे हल्की सी लाल देगी मिर्च, हल्की सी क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, बाकी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप तीखा खाना चाहते हैं तो। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा काला नमक भी हल्का सा, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। डालूंगी थोड़ा सा सब्जी मसाला। तो
ये देखिए गाइस कितनी यम्मी लग रही है ये। और इसको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है एकदम करारा टाइप। तो गाइस देखिए कितनी यम्मी लग रही है ना, और अब हम इसे थोड़ा सा करारा करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, ताकि इसका जो कुरकुरा टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और जिसमें थोड़ा भी मॉइस्चर होगा, जो इसमें पानी होगा, वो अपने आप थोड़ा सा सूख जाएगा, तो उससे थोड़ी सी कुरकुरी हो जाएगी जितना हम इसको पकाएंगे। तो गाइस ये ऑलमोस्ट बन चुकी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आया है, कितना अच्छा देखने में ही टेस्टी सी लग रही है, और टेस्टी लगती है ये, मेरी तो फेवरेट है। तो दाल के साथ आप इसको रायते के साथ। गाइस भुजी हमारी रेडी है, अब हम सोच रहे हैं कि इसके साथ रायता भी हो जाए तो और टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ी सी दही लिया मैंने, अब इसमें मैं डालूंगी काला नमक टेस्ट टू अकॉर्डिंग, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा आप रायता मसाला हो तो रायता मसाला डाल सकते हैं, नहीं तो जीरा पाउडर, और इनको मैं मिक्स कर लूंगी। देसी खाने का अलग ही टेस्ट होता है, जो कि हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ खिलाना सिखाया है। अब इसमें हमने बूंदी भिगो के रखी हुई थी पानी में, वो मैं डाल रही हूँ। इस तरीके से अब मैं इसमें एक तड़का तैयार करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा देसी घी गर्म होने रख दिया है, इसमें मैं हींग डालूंगी, और डालूंगी थोड़ा सा जीरा, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसका तड़का देंगे रायते में। इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से एक प्लेट ले लेनी है और रायते को एकदम डालते ही इसको ढक देना है, ताकि सारा फ्लेवर रायते में अब्सॉर्ब हो जाए। तो इस तरीके से आप रायता बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, और ये देखिए गाइस, दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो आप इसको रोटी के साथ या पूड़ी के साथ एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।